रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो घर तुमने लॉक करवाया है वो हमारा घर है। ये बंगला पिछले 70 साल से हमारी फैमिली में है। And it'll stay in my family. जो खड़ना है वो खड़ लो। मैं हूँ इन लोग के साथ। मैं जो कुछ भी तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, ऋषा के लिए कर रहा हूँ, ये तुम दोनों का हक है यार। You guys are family. तेरी भाग गई है मिस्टर खन्ना। उसकी शादी कल हुई है और आज वो भाग गई है। हाँ। तुम्हारी माँ की प्रॉब्लम क्या है? यही कि उसको विशाल जैसा लड़का पसंद नहीं है। तो हम विशाल को वैसा लड़का बनाएंगे जो तुम्हारी माँ को पसंद आएगा। I love this plan. मैं अपनी सारी इशू सॉर्ट आउट करता हूँ, तुम अपनी छोटी छोटी इशू सॉर्ट आउट करो। जब सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, I will come for you. मिस्टर खन्ना को तो मैंने अपने इशू सॉर्ट आउट करने के लिए कह दिया, लेकिन मैं उनके आई लव यू का जवाब क्यों नहीं दे पाई? ये लोग पता नहीं कहाँ, वेयर वर यू गाइस? अरे कॉफी ला रहे थे। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे लग रहा है हमारी जो इतनी ग्रेट प्लानिंग है ना, ये सारी फ्लॉप होने वाली है। मिस्टर खन्ना, ये चिट्टी शेरी की माँ है, लेकिन चिट्टी एक चाबुक भी है जिसकी चोट से आधा चेन्नई तिलमिलाया हुआ है। ये तुमने फेंका ना? नहीं। झूठ बोलते हो। मैंने नहीं फेंका। निकलो और उठाओ। सुन जा, मैं फेंक देता हूँ। इतनी लंबी गाड़ी में बैठ के सुपरस्टार बन के रास्ते को कचरा करते हो, तुमको एग्जाम्पल मान के लोग फॉलो करते हैं और तुम ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। तुमको देख के सब यही सीखेंगे ना, कम आउट ऑफ द कार एंड पिक इट अप। मिस्टर खन्ना, ये बाहें खोलकर हाथ फैलाकर जो आपने 120 करोड़ हिंदुस्तानियों को लपेटे में लिया है ना, वो गलती आप चिट्टी के साथ कभी भूल कर भी मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी बाहों में चिट्टी नहीं बल्कि एक तूफान होगा। What is wrong with you? करण खन्ना की स्क्रिप्ट है ये। This is my script. It'll be a blockbuster. इसीलिए डर लग रहा है मुझे कि आपकी स्क्रिप्ट है। आपकी पिछली 3 फिल्में ना फ्लॉप हो गई थी। यार ये ये मेरी चिट्टी है और ये करण खन्ना, सुपरस्टार। हाय चिट्टी। टिप्सी तुमको कैसा जानता है? एक्चुअली वो मेरे पेशेंट थे। तो तुम नशा करते हैं? नहीं, नशा नहीं, वो थोड़ी सी शराब पीते थे। पीते थे? ए, अब मैं हाथ भी नहीं लगाता हूँ, आई स्वेयर। ये कौन है? दिस इज विशाल, माय बिजनेस मैनेजर। कैसे मैनेज किया है इसको कि ये शराबी बन गया? यूज़लेस फेलो, गुड फॉर नथिंग। बसुका, जरूरी था चीटी बोलना। अरे मुझे नहीं आता। What are they same thing यार? एक तो translate करो। I need subtitles. What are they saying? बसुका, इन द माद्री पसंगल तेंडे। ताने नम्मा पूर्ण नगरे कापतनो न्यापड़ी कंडवर कुनल्लम। What she's saying? ये you know ऐसे लड़कों से ही तो हमारी लड़कियों को बचा के रखना था और ऐसे एरो गैरो के बीच में हमारी लड़कियों को छोड़ दिया। सुन जा। एक मिनट, अम्मा क्या बोल रही है? I want to know. अयो, अवन नल्ला पयन वैजयंती तिरुपु अदुवक मीट पनिनान। अम्मा आपके साइड ले रही है। What did I say? What did I say? हाँ, क्या बोल रही हो? वो कह रही है कि बहुत अच्छा लड़का है और इसी की वजह से टिप्सी अदु से मिली थी, पर वो कह रही है कि ये टिप्सी के बड़े भाई की तरह है। How is that taking my side? What is wrong with you, यार? अद्दू कहाँ है आजकल तिरुपु? Why? अद्दू के बारे में क्यों बात करी? Go and find out. ये कद्दू बीच में कैसे? अरे मुझे कैसे पता होगा? IIT, IIM बेरे। वो कह रही है कि अद्दू IIM, IIT है और उसे हमारी त्रिपुरा भी बहुत पसंद है, तो इन दोनों की शादी करा देते हैं। चिट्टी, चिट्टी, मेरी शादी तो बाद में हो जाएगी, अभी शेरी की शादी पहले कर दे। एक्चुअली ये दो तीन वो बेवड़े और वो ड्रग एडिक्ट्स अभी भरते हुए हैं वो रिहैब सेंटर में, सो शी इज वेरी बिजी। मुझे तो बहुत काम है। हाँ। वो हम शेरी की शादी कर देते ना किसी
सूटेबल लड़के के साथ, जैसे कोई एमबीए। सच नाइस बॉयज। गाड़ी उस तरफ चलिए। अरे टैक्सी पकड़ो, देखो चलो। अरे कम गर्ल्स, टैक्सी। हाँ मॉम, बस मैं निकल रही हूँ मॉम, कुछ सामान लेना है। आई नो मैंने कहा था कि मैं 5 बजे तो पहुंच जाऊंगी। मॉम प्लीज यार, जस्ट हैंग अप नाउ। अगर आप इतना नैग करोगे, आई एम जस्ट गोना स्किप द इवेंट। व्हाट, सब सामान कैसे पड़ा? सुनो सुनो, प्लीज यहाँ पे रखो ये सामान और कांच का सामान है संभाल के। व्हाट, सो मच टू डू? व्हाट हैपेंड स्वीटी? दैट्स क्या हुआ? त्रिशा का फोन था। क्या कह रही थी वो? जब उसने रोहन से शादी तोड़ी थी तो मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। अब वो मुझसे बात नहीं करता। शायद शादी तोड़ने के लिए मैंने उसको कुछ ज्यादा ही गिल्टी ठहरा दिया। करण से बात करती है? थैंक गॉड करण से बात करती है, उसे उसके साथ शेयर करती है, उसकी एडवाइस लेती है। अदरवाइज यू नो माय कंसर्न, यू हैव गॉट अ सेकंड चांस। फॉर व्हाट? टू गेट योर फैमिली बैक। प्रभुत वाज माय सेकंड चांस। ये कहां? ये वहां पर ला, मुझे दो मैं ले। थैंक यू। थैंक यू। एक्चुअली मैम, अपना बैग देखना। एक सेकेंड ना मॉम, मैं कॉल बैक करती हूँ ना आपको। ये क्या मैम? I'm really sorry, ये मैंने देखा नहीं। Ma'am, please, आप साइड पे आ जाइए, please. Listen, I'm in a hurry right now. Ma'am, हरी में हर कोई होता है, लेकिन आप बिना पे किए लेके जा रही थी इसे। What? Sir, देखिए, मैं यहाँ की regular customer हूँ, okay? और इतनी छोटी सी चीज के लिए, do you think I'm gonna shoplift? Ma'am, please, आप साइड पे आ जाइए, बाकी कस्टमर्स को प्रॉब्लम हो रही है। Listen, just ask them not to click pictures, please. Listen, आप वीडियो क्यों बना रही हैं? Ma'am, आप कस्टमर्स के साथ वायलेंट क्यों हो रही हैं? प्लीज आप हमारे साथ अंदर चलिए, वरना हमें पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आप पुलिस को क्यों बुला रहे हैं? आप, मैं कितनी बार कहूँ आपसे, मैंने नहीं लिया है यार। मैम आप क्यों सीन क्रिएट कर रही हैं? अगर आपके बैग में कुछ मिला है, आपको हमारा ऑफिस चलना होगा। आप प्लीज इनको लेके जाइए। आप चलिए मैम, प्लीज आप चलिए। मैम एक सेकंड, मैम आप एक मिनट, आप हाथ क्यों लगा रही हैं? सर मैंने आपसे कहा ना, मैंने नहीं लिया है। सर जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आई थिंक आपको उनके साथ चले जाना चाहिए मैम। मैनेजर भाई साहब पावर ट्रिप में, उन्हें नहीं पता कि सब कुछ होने के बाद जब तुम स्टोर को सू करोगे तो उसे जो डैमेजेस आएंगे, ऐसे 2-3 और स्टोर खरीद ही सकते हैं। दैट्स अ नाइस शर्ट, मीडियम है। फॉर एग्जांपल मेंटल हैरेसमेंट सेक्शन 354D आईपीसी, सेक्शन 345D इंडियन पीनल कोड प्राइवेट एक्ट, सेक्शन 352, 383, 384 आईपीसी एक्सटॉर्शन। जो वीडियोस अपलोड होंगे विल बी अ डायरेक्ट वायलेशन ऑफ द आईटी एक्ट और आप इस क्राइम में एक्सेसरी होंगे। नाइस स्टोर, हे दैट्स अ गुड शर्ट एज वेल। वन सेकंड, मेरे साइज का है क्या? Like the colors. सर हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आपने बस सिनेरियो क्रिएट किया। एंड दिस इज हाउ द लॉ विल इंटरप्रेट इट। यू मस्ट गो फास्ट एक्चुअली। कहाँ है आपका ऑफिस? उस साइड? सर दिस वे सर। दिस वे? या प्लीज। सर वी आर रियली वेरी सॉरी सर। वी डिडंट से एनीथिंग टू अरेस्ट। त्रिशा इतना तो करने दीजिए हम दोनों को, दैट्स द लीस्ट वी कैन डू। यार उसके लिए मुझे अपना सोशल कैलेंडर चेक करना पड़ेगा, जो इस वक्त पूरी तरीके से फ्री है, बिकॉज़ आई एम न्यू इन मुंबई। हां, सो डिनर के लिए अवेलेबल एनी टाइम बडी। फैंटास्टिक। तो यू हैव हिज नंबर? आई डू। फैंटास्टिक। सो इस वक्त मुझे जाना होगा, एक ओपनिंग है, बट आई एम गोना कॉल यू एंड वी गोना डू डिनर। ओके, थैंक्स अगेन। थैंक्स, लेट्स लेट्स गो। या बाय बाय। लुक आफ्टर योरसेल्फ। माय फर्स्ट फ्रेंड इन मुंबई।
हुआ ना? What happened? Finally, we made it. Thank you. Selfie लेने, बिल्कुल बनती है. Selfie तो बनती है. Pout कर. Listen, Vishal is come. I'll just see you in a bit. Hi. Bhabhi, congratulations. Thank you so much. इसकी क्या ज़रूरत है? ये formality है. तुम्हारी बीवी कहाँ है? Sherry. अरे नहीं नहीं शादी हुई है. Sherry को लेके नहीं आए? Bhabhi, I don't know how to explain this to you, but it's complicated. अम्मा को लगता है लड़का और लड़की तो बस लव ही हो सकता है. फ्रेंडशिप जैसी कोई चीज समझ ही नहीं आती. बुढ़ापे में ना सब सिड़कियां ही जाते हैं. ये तो किस तरह से बात कर रही है शेरी? तुझे चिट्ठी के बारे में इतनी रूडली बात नहीं करनी चाहिए. ओके आई नो प्रॉब्लम है, मिलके संभाल लेंगे ना यार. प्रॉब्लम मेरी नहीं, बात तेरी हो रही है. ओके मेरी मेरी क्या बात हो रही है? अरे अम्मा मान ही नहीं रही कि करण तेरा दोस्त है. उन्हें लगता है तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है. इनफैक्ट वो तो ये कह रही है कि हमारी एक ही मंडप में शादी कर देते हैं, मेरे किसी अच्छे MBA इंजीनियर के साथ और तेरी अद्दू से. नो यस अम्मा. Hi. Hi, mom. My love. How are you looking? You're looking lovely. Do you like the setup? It's beautiful. I love it. Thank you. रोहन को मैंने बुलाया. But mom, just let bygones be bygones. It's okay. Hi, auntie. Hi, Rohan. Hi, Tisha. Congratulations, this is for you. Thank you so much. मम्मी पापा कैसे हैं? सब ठीक है आंटी. तुषा, रोहन को अंदर ले जाओ. Just show him around. अब नहीं आंटी, it's fine. I'll manage. रोहन, feel at home. तुषा. ये म्यूरल तुमने बनाया ना? मैंने देखते गेस कर लिया था. रोहन थैंक यू. थैंक यू किस लिए? इतना भी कोई खास नहीं बनाएगा. रोहन डोंट ट्राई मी ना, इट डजंट सूट यू. मैं थैंक यू कह रही थी कि एटलीस्ट तुम आए तो सही. यू नो व्हाट ट्रिशा, वी वर फ्रेंड्स बिफोर ऑल दैट शादी का सियापा. And in that case, मैंने तुम्हारी कोई पार्टी मिस की है जो मैं ये मिस करूंगा. अब चलो. अन्ना निदान तेरी बंगे ना मट्टो इनकी इला मेरे अंदर उंदा नी अत्तिम बेरे अन्ना नाना नचड़ पे. वो कह रही है बसुदी तुम्हें तो हर आदमी भैया ही लगता है. अगर मैं ना होती तो तुम अभी तक जीजा जी को भैया ही कह रही होती. चुम्मा नरक कड़ वेला बैर कंड्रवी. कितना सुंदर है. ना शॉल्ले रंड पूना गड़ियो पूना तरती नीट वेपो शेरी उत्तुंडा टिप्सी यो उत्तुंडुआ. ठीक है. ओके हैप्पी. ना अरे नहीं नहीं नो 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 नहीं नहीं नहीं. अरे क्या शेरी क्या हुआ? क्या बात कर रही हूँ मुझे बता ना. अरे वो कह रही है कि उस इंदिकरण की नजर हमारी टिप्सी पर है और नॉर्थ में तो ऐसा ही होता है, भाई बहन सब बहाना है और हम दोनों की शादी करवा देते हैं एक ही मंडप में. शेरी तो मानी गई है, टिप्सी भी मान जाएगी. नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता है यार. शेरी अब हम क्या करेंगे यार? हम नहीं बहन, तू. मुझे तो पता था ऐसा कुछ होने वाला है इसलिए मैंने जल्दी जल्दी शादी कर ली. तो अपनी सोच बहन, तेरे सामने अम्मा खड़ी है. बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी. Tired. You did good. Thank you. It was a good night. एक बात बताओ. Are you happy? खुश हो?
I'm very happy. ऐसा लग रहा है that I can finally breathe. Good. Palash, we are getting late. Palash, coming. तुम्हें ready भी होना है. ये इस केस के details हैं. We need to get on the offensive. इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस केस को handle करो. Heritage building hai and we need to clear it. Now will you please step out, I need to get ready. Are you okay? Main itni personal baatein aapke sath share nahi karna chahta. Let's just keep it professional. Jo property ki aap baat kar rahi hain wo legally aapke naam par nahi hai. फिर भी मेरे क्लाइंट उसके लिए एक सर्टेन अमाउंट देने को तैयार है। It's not about the money. ये घर प्रबुद्ध का है, हमारा है, त्रिशा का है। It's Trisha's heritage. Come on, राधिका, तुम भी जानती हो प्राइम प्रॉपर्टी है। इसीलिए तुम इसे बेचना चाहती हो, समझती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये घर फैमिली में रहे, प्रबुद्ध की फैमिली में। No, ma'am, आप फैमिली नहीं है। Yes, you have cohabited with प्रबुद्धा, लेकिन आपको और आपके बेटे का इस प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं है। वो वीडियो भी हमने सबमिट की है। It was very emotional. लेकिन उस टेप में कहीं पर भी इस प्रॉपर्टी का जिक्र नहीं है। इनफैक्ट उस टेप को देखने के बाद ये भी कह सकते हैं कि प्रभुदा आपको फैमिली मानते नहीं थे, क्योंकि वो बार बार आपको अपने एक्स हस्बैंड के पास जाने के लिए कह रहे थे। आप मिसइंटरप्रेट कर रहे हैं। लॉ इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन मैम। आप अभी भी अपने एक्स हस्बैंड के साथ रहती है। लुक्स टू मी लाइक यू वांट टू हैव योर केक एंड ईट इट टू। यू आर क्रॉसिंग द लाइन। वन सेकंड। ये बहुत ही चीप और बिलो द बेल्ट कमेंट था। दैट्स नॉट माय इंटरप्रिटेशन सर। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मेरे क्लाइंट का केस बहुत स्ट्रांग है और वीक ग्राउंड पे। अगर ये केस कोर्ट पे गया तो ऐसे कई सारे और इंटरप्रिटेशंस आएंगे एंड आई कैन गारंटी यू दैट यू विल लूज। आर यू थ्रेटनिंग अस? नो, आई एम नॉट थ्रेटनिंग यू। आई एम सेइंग सेटल माय क्लाइंट विल बी बेटर फॉर यू। एक्सक्यूज मी यार, मैं निकलता हूं। यू कैन टेक इट फ्रॉम हियर। यू हैव टू डू समथिंग। हेलो। हां अम्मा। अम्मा इतनी भी देर नहीं हुई है अम्मा, जो आप इतनी परेशान हो रही हो। नो, अरे मैं हूं रिलैक्स अम्मा। मैं फोन करती हूँ आपको, एक मिनट। आप यहाँ क्या कर रहे हैं मिस्टर खन्ना? कुछ नहीं कर रहा हूँ, बैग दो मुझे। नहीं नहीं, मैं घर ड्रॉप करने आया हूँ तुम्हें। नहीं, मैं बैग आपको नहीं दे रही, मैं ऑटो में चली जाऊंगी। ऑटो में जितने भी पैसे तुम दोगी वो मुझे दे देना, जस्ट गिव मी द बैग। अरे बट लिसन, व्हाई यू? बस ये क्या जिद है मिस्टर खन्ना? व्हाट डिस्गस्टिंग। कोई जिद नहीं है। अरे हाय गाइस, अभी नहीं, अभी नहीं, प्लीज अभी। तुम गाड़ी में, गाइस प्लीज अभी नहीं, प्लीज नॉट राइट नाउ। जस्ट बी केयरफुल, ओके? ओह गॉड, सॉरी यार, मैं नहीं चाहता था कि ऐसा सब हो। दिस इज नॉट व्हाट आई हैड इन माइंड यार। अम्मा जिस तरीके से अद्दू के बारे में बात कर रही थी ना, मैं पूरी तरह से समझ गया हूँ कि अद्दू तुमसे बहुत प्यार करता है यार। वो पॉकेट में मंडप के साथ घूमता है। He's waiting. जिस सेकंड तुम हाँ कहोगे ना, वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। And I can't compete with that. क्योंकि responsibilities है मेरे सर पर, तुम जानती हो। और मैं नहीं चाहता कि मेरी responsibilities, मेरी limitations की वजह से तुम suffer करो। So I just somehow want to try and be as normal with you as possible, like a normal couple यार। तुम हर चीज की लिस्ट बनाती हो ना, मैंने भी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई है। और मैं चाहता हूँ कि मैं वो लिस्ट का हर आइटम तुम्हारे साथ लाइक अ नॉर्मल कपल महसूस कर सकूं। थिंग्स लाइक सब्जी शॉपिंग, कुल्फी ईटिंग, या तुम्हें घर ड्रॉप करना,
काम से जल्दी निकल के तुम्हारे क्लिनिक आके तुम्हें सरप्राइज देना, ऑल ऑफ दैट यार। मैं जानता हूँ कि इस वक्त नो मैटर हाउ बैडली आई वांट इट, मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे सकता, बट आई जस्ट वांट टू समहाउ ट्राई, कैसे समझाऊं। सो ये जो लिस्ट है ये कितनी लंबी लिस्ट है? बहुत लंबी लिस्ट है, ओके? मैंने बहुत बहुत प्यार से बनाई है, 30-40 साल लगेंगे इस लिस्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो मतलब 30-40 साल मैं इंतजार करूं? अरे नहीं यार, मेरा वो मतलब नहीं है, वो कुछ और है और लिस्ट कुछ और है यार। हम लोग सारी जिंदगी लिस्ट के आइटम्स को टिक कर सकते हैं ना यार, तुम नहीं समझोगे यार। यू जस्ट अमन प्लीज मेरी बात सुनो। Get out from here। अमन ऐसे मत जाओ प्लीज। What the hell हर बार? Sorry। अमन Get the hell out of here। अमन देखो सब लोग देख रहे हैं। Please What the hell हर बार? Sorry। ऐसा कुछ भी नहीं था। तुम किसी से भी मिलो, कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है। But anyway, I'll do whatever you ask me to do because I love you. I only love you, right? And I'm really sorry. Listen, I'm really sorry. Please listen to me.